टाइम था जब घरों में लोग खाना बनाने और परोसने के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आगे चलकर वह परंपरा बस दही की हांडी और मटकों तक सीमित रह गई। लेकिन अब ये ट्रेंड फिर से दिखाई दे रहा है। कई स्टेशनों पर खान पान का प्रबंध करने वालों को मिट्टी से बने कुल्हड़ों, ग्लास और प्लेट के इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है। लोगों का रुझान मिट्टी से बने बर्तनों की ओर बढ़ रहा है और लोग पुरानी संस्कृति को फिर से अपनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में इस एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में। मिट्टी के बर्तन तैयार करना आसान है। आप इलेक्ट्रिक चाक की मदद से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुशल कुम्हारों की आवश्यकता होगी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू हमेशा से ही मशीन से बनाई चीजों से ज्यादा होती है, जिसका कारण है हैंडमेड चीजें यूनिक होती हैं। मिट्टी से आप कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर पॉट, मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने, कुल्हड़, कप्स, प्लेट्स, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। इस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आप कुछ ऐसे यूनिक डिजाइन तैयार कर सकते हैं, जिसे आप गिफ्ट शॉप्स में सप्लाई कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स में कस्टमाइजेशन लाकर भी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे दामों में बेच सकते हैं। हाउ टू डू बिजनेस। मिट्टी से बनी चीजों का आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। पहला, आप अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके नए क्रिएटिव डिजाइंस बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 2-3 इलेक्ट्रिक चाक और 2-3 स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी। प्रोडक्ट्स तैयार करने के बाद आप अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकते हैं। मैन पावर। इस बिजनेस के लिए आपको 3-4 स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी। इस बिजनेस के लिए आपको करीब 2 kW सिंगल फेज कनेक्शन की जरूरत होगी। प्रोसेस। सबसे पहले सॉइल या क्ले को फिल्टर किया जाता है और सॉइल के अकॉर्डिंग उसमें पानी ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद सॉइल या क्ले को पोटर्स व्हील यानी इलेक्ट्रिक चाक पर रख दिया जाता है, जिसकी मदद से अलग अलग तरीके के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसे फर्नेस में रख दिया जाता है, जिसके बाद कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें पेंट और एसेसरीज ऐड कर दी जाती है। इन्वेस्टमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बिजनेस शुरू करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक चाक की कीमत लगभग 20,000 रुपये है। अगर आप 3 मशीन्स की मदद से ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलाकर लगभग 2-2.5 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन कम दामों में कुम्हारों से लेकर उसमें पेंट और एसेसरीज ऐड करने के बाद भी सप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग। आप अपने बनाए प्रोडक्ट्स को आसपास के गिफ्ट शॉप्स में भी सप्लाई कर सकते हैं या फिर रिटेल में अपने प्रोडक्ट्स बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आप अपने बनाए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। इलेक्ट्रिक चाक की मदद से आप 1 घंटे में लगभग 10 फ्लावर पॉट तैयार कर सकते हैं। 8 घंटे में अगर आप 3 चाक की मदद से 240 फ्लावर पॉट तैयार करते हैं तो आप हर दिन के लगभग 2-2.5 हजार रुपए कमा सकते हैं।